नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। दुनिया की बड़ी दवा निर्माता कंपनी एस्ट्राजेनेका ने मान लिया है कि इसके कोविड-19 वैक्सीन से साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जो जानलेवा है। लंदन के कोर्ट में दिए अपने एक बयान में कंपनी ने वैक्सीन से साइड इफेक्ट्स की बात स्वीकार की है। भारत में भी लोगों को एस्ट्राजेनेका की कोविड-19 वैक्सीन दी गई है। इस दिग्गज दवा निर्माता कंपनी ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के साथ मिलकर कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन विकसित की है। कंपनी एक मुकदमे का सामना कर रही है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उसके टीके की वजह से इसे लगवाने वालों में मौत और गंभीर चोट के मामले सामने आए हैं। एक शिकायतकर्ता ने खून का थक्का जमने की शिकायत की थी। कथित तौर पर अप्रैल 2021 में वैक्सीन देने के बाद उन्हें मस्तिष्क में स्थायी चोट लग गई थी। लंदन हाईकोर्ट में वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स के 51 मामले आए हैं, जिसमें पीड़ितों और परिजनों ने 10 करोड़ पाउंड यानी लगभग 1,000 करोड़ रुपए तक के अनुमानित हर्जाने की मांग की है। कोर्ट में कबूलनामे के बाद अब कंपनी को यह हर्जाना देना पड़ सकता है, हालांकि इस पर फैसला अभी आना बाकी है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी और हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर एस के अग्रवाल। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले अग्रवाल साहब आपसे शुरू करते हैं। एस्ट्राजेनेका ने लंदन कोर्ट में मान लिया है कि इसकी कोविड वैक्सीन के रेयर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। सबसे पहले तो एक बार जरा मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को एक बार ये समझाएं कि इस ये खबर क्या है। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भी इसको अंडर लाइसेंस यहाँ पर मैन्युफैक्चर किया अपनी कंट्री में और एक्सपोर्ट भी हुई वैक्सीन काफी हद तक। फिर कुछ केसेज ऐसे आने शुरू हुए थे इनिशियली कि दिस ड्रग और दिस वैक्सीन कॉजेज थ्रोम्बोसिस एंड डिक्रीज इन द प्लेटलेट काउंट। सो डिक्रीज इन द प्लेटलेट काउंट से रिस्क हो जाता है कभी कभी ब्लीडिंग का एंड इनिशियल स्टेज में थ्रोम्बोसिस होती है। 3 years बैक कुछ इशू जैसे डेवलपमेंट शुरू हुए, जिसके अंदर ये माना जाने लगा कि हो सकता है वैक्सीनेटेड पेशेंट्स में ये प्रॉब्लम ज्यादा हुई है। और उसी में एक केस ये यूके में शायद सबसे पहले हुआ था, केट स्कॉट ने जिसमें किया था कि उनको ब्रेन हेमरेज हुआ और ब्रेन इंजरी हुई थी, और उसके बाद में उनके लॉयर्स ने कंटेस्ट किया कि इट वॉज बिकॉज ऑफ द वैक्सीन। बट एक्चुअली एज ए मेडिकल प्रोफेशनल अगर हम अपनी बात कहें तो COVID itself is associated with thrombosis, clotting in the blood vessels, and many people have died because of this complication in COVID era. Exactly, as a medical practitioner, I cannot say why it happened. Because on the one side, disease itself is causing this problem, and on the second hand, you can say ki shayad COVID vaccines aisa hua. वन ऑफ द रेयर कॉम्प्लिकेशन किसी भी ड्रग के मैन्युफैक्चर होने के बाद में कभी भी आ सकता है कि ये ड्रग से एक पर्टिकुलर कॉम्प्लिकेशन है। एस्ट्राजेनेका भी शायद इसको अब एडमिट कर रही है कि रेयर कॉम्प्लिकेशन इट कुड बी बिकॉज ऑफ कोविशील्ड। इट मे नॉट बी वेरी इजी। ओवर टू यू मुक्ता। जैसा कि कंपनी ने ब्रिटेन की कोर्ट में ये ब्लड क्लॉटिंग की बात कबूली है, और आप देखिए भारत में सबसे ज़्यादा इसी कंपनी मतलब कोविशील्ड की वैक्सीन लगी है, तो आपको क्या लगता है इसका क्या असर देखने को मिलेगा? प्रॉब्लम ये है कि अगर आप देखिए कोविड के टाइम में कोविड इटसेल्फ, कोविड डिजीज से भी हमें पता है कि ब्लड क्लॉटिंग, हार्ट अटैक्स, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ऑल ओवर द बॉडी ब्लड क्लॉटिंग के इवेंट्स हुए थे। दिस इज वेरी वेल नोन। अब उसी में कुछ पेशेंट्स को वैक्सीन लगाया गया तो इंसिडेंस बढ़ गया। अब ये कहना, डिफ्रेंशिएट करना कि किस पेशेंट को कोविड से प्रॉब्लम हो रही है और किसको वैक्सीन से प्रॉब्लम हो रही है, इट विल बी लिटिल डिफिकल्ट फॉर अस टू से। आज के टाइम में भी अगर आप देखते हैं तो कोविड इन्फेक्शन के बाद में मायोकार्डाइटिस और उस मायोकार्डियल स्कारिंग हो रही है, जिसमें हार्ट के अंदर कहीं कहीं पे नॉर्मल मसल टिश्यू रिप्लेस हो जाता है स्कार टिश्यू से, एंड उसके कारण से बहुत सारे रिद्म डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। तो एग्जैक्टली एज ए क्लिनिशियन हमारे लिए कहना मुश्किल होगा कि किस पेशेंट को कोविशील्ड से परेशानी हो रही है और किस पेशेंट को डिजीज इटसेल्फ से परेशानी हो रही है। बट दिस इज अ फैक्ट कि कोविड इरा में बहुत से पेशेंट्स पल्मोनरी एम्बोलिज्म एंड हार्ट अटैक मायोकार्डियल इंफार्क्शन से जिसकी डेथ हुई है। चलिए डॉक्टर साहब आपके पास वापस आएंगे, लेकिन डॉक्टर स्वाति, कोविड की लड़ाई लड़ने के बाद अब एक दूसरी लड़ाई शुरू हो गई है कोविड के ये सिम्टम्स के, अभी भी लॉन्ग कोविड सिम्टम्स जो लोगों को नजर आ रहे हैं उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं अभी भी लोग। देखिए, वो एक लंबी लड़ाई है।
जो लड़ते रहना पड़ेगा, क्योंकि कोविड एक बहुत ही खतरनाक और अलग तरह का वायरस था और उसके दुर्गामी परिणाम जो है वो अभी तक हम देख रहे हैं। लेकिन जो ये खबर है मुक्ता, इससे रिलेटेड जो पैनिक लोगों में फैल रहा है, क्योंकि कई लोग भारत में 80% लोगों को कोविशील्ड लगी और हर किसी के मन में ये प्रश्न आ रहा है कि हमने कोविशील्ड लगाई है तो क्या हमें भी मैंने भी कोविशील्ड मैंने भी कोविशील्ड ही लगवाई थी उस समय। को वैक्सीन पे बहुत सारे सवाल उठ रहे थे तो मैंने सोचा बड़ा सेफ है, कोविशील्ड लगाना सादा ठीक है। और आई थिंक देखिए 80% भारतीयों को कोविशील्ड ही लगी और इसीलिए सबके मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये हमें भी हो सकता है, क्या हमने वैक्सीन ली है तो हमारे लिए आने वाले वक्त में दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। तो देखिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जो वैक्सीन से होता हुआ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया विथ थ्रोम्बोसिस होता है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो रेयर साइड इफेक्ट है जिसके बारे में कंपनी ने कबूला है, ये वैक्सीन लगाने के 4 से 42 दिन के अंदर ज्यादातर देखा जाता है। यानी कि अब सबको वैक्सीन लगे 2 साल 2.5 साल हो चुके हैं और ऐसी स्थिति में अब घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये शुरुआती दिनों में दिखता है। दूसरी बात, कुछ लोगों में अगर ये बाद में भी दिखने की संभावना रहती है तो वो उनकी मेडिकल कंडीशंस को देखते हुए रहता है। अगर किसी को बहुत ज्यादा हार्ट की प्रॉब्लम है, कैंसर है, इन्फेक्शन बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं, या आपके बॉडी का इम्यूनिटी लेवल बहुत ज्यादा लो है, जैसे कि हम देखते हैं कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग जो होते हैं, HIV है, कैंसर, तरह तरह की बीमारी, उन लोगों में हम देखते हैं कि ये बाद में भी कभी दिख सकता है। लेकिन आम तौर पर एक स्वस्थ व्यक्ति अगर है, उसको उस वक्त वैक्सीन से अगर ये दिक्कत नहीं हुई है तो आने वाले वक्त में ये दिक्कत होगी, ऐसा मानना बहुत ही गलत होगा। और इसलिए अपने मन में ये डर नहीं बिठाएं और अपने मन में ये भावना नहीं बिठाएं कि हमने कोविशील्ड लगाई है तो अब हमें ऐसा होने की संभावना है। दूसरा देखिए, 1 लाख से 2.5 लाख लोगों के बीच में एक व्यक्ति को ऐसा साइड इफेक्ट देखा जा सकता है और 130 करोड़ की हमारी भारत की ही जनता है, बाकी देशों की जनता हम छोड़ दें जहां जहां कोविशील्ड या एस्ट्राजेनिका लगी है। तो आप देखिए कि इतने लोगों में अभी तक हमने ऐसे कोई बहुत ज्यादा खबरें नहीं पढ़ी हैं कि इस घर में लगा, उस घर में लगा और यहाँ भी हार्ट अटैक हो रहा है, वहां भी हार्ट अटैक हो रहा है या ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है। बहुत ही कम लोगों में ये साइड इफेक्ट दिखा है और ये बेनिफिट टू रिस्क रेशियो होता है जिसका साइंस में हमेशा जिसको इंपॉर्टेंस एक्चुअली डॉक्टर स्वाति, मैं सॉरी आपको यहाँ इंटरप्ट कर रही हूँ, लोगों में ये डर ज्यादा इसलिए बैठ गया है। अगर आप पिछले दिनों देखिए, पिछले काफी दिनों से ये कोविड के बाद से लगातार हार्ट अटैक की खबरें आ रही थी और स्पेशली यंग लोगों में, 25 से 30 साल के लोगों में, मतलब बहुत ही ज्यादा ये खबर आ रही थी, तो शायद लोगों के मन में ये ज्यादा डर बैठ गया था। तो मैं चाहूंगी कि डॉक्टर अग्रवाल इस पे थोड़ा रोशनी डालें कि क्या हार्ट का कोई कनेक्शन हो सकता है इससे, या बाद में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। यंग एज में ओवरऑल अपनी कंट्री में, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज में हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। कोविड एरा की बात अगर आप करें तो इससे डेफिनेटली बीमारी बढ़ी है, बट इवन प्री कोविड एरा में भी यंगर पॉपुलेशन आजकल फिट होते आ रहे थे हार्ट अटैक से लेना सिविल फोर्स। कोविड एरा में क्या हुआ कि कोविड इटसेल्फ वाज कॉजिंग लॉट ऑफ थ्रोम्बस फॉर्मेशन इन द बॉडी। अब उसके कारण से कुछ इंसिडेंस बढ़ी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोविड के टाइम में भी हमने काफी लोगों को देखा जिनको हार्ट अटैक हुए और कोविड के टाइम में कितनी हम लोगों को एंजियोप्लास्टी इमरजेंसी बेसिस पे करनी पड़ती थी इन कोविड इन्फेक्टेड पेशेंट्स। तो वो एक कॉम्प्लिकेशन है और ओवरऑल रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर, सबसे बड़ा ही सडन हो रहा था, जैसे सडनली कोई जिम में है कोलैप्स कर गया और एकदम से खत्म, टाइम ही नहीं मिल रहा था, कहीं कोई डांस करता हुआ एकदम से गिरा और एकदम खत्म। तो ये चीजें बहुत ही लोगों में बहुत खौफ पैदा कर रही थी और इस खबर के बाद वो डर और ज्यादा बढ़ जाएगा आई एम श्योर लोगों में। मेडिकल फील्ड में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कंडीशन को लेकर के हम लोग आगे नहीं चलते हैं। कई बार खबरें जब ऐसे प्रकाशित होती हैं न्यूज़पेपर्स में, चैनल्स पे आती हैं, तो लोगों में एक पैनिक होना बहुत ही स्वाभाविक सा रिएक्शन है, उसमें कोई डाउट नहीं है। मगर जैसा अभी हमारी को-पैनलिस्ट भी बोल रही थी, आपको ये समझना होगा कि दीज आर द वेरी वेरी रेयर साइड इफेक्ट, रेयर साइड। हम एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर जब कोई दवाइयाँ लिखते हैं तो उनके बहुत सारे नॉन कॉम्प्लिकेशन और साइड इफेक्ट्स होते हैं, मगर हम रिस्क बेनिफिट रेशियो देखते हैं पेशेंट को, इससे फायदा है या नुकसान है। अगर उससे फायदा हो रहा है तो कई बार हमें ये रिस्क लेना पड़ता है। एवरी ड्रग हैज सम साइड इफेक्ट। तो अब एक पर्टिकुलर कंडीशन में जबकि डिजीज इटसेल्फ कॉजेस थ्रोम्बोसिस, वैक्सीन कैन कॉज रेयरली टू सम रेयर आफ्टर रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कॉम्प्लिकेशन थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो सकता है। तो ऐसे पब्लिक में एक पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया, डॉक्टर स्वाति ने, कि अल्टीमेटली आप देखिए कितने लोगों में होगा, 15, 20, 50 केसेज आएंगे अगर, so that number is very low. If everybody will get panicked, then it will become a serious issue. Secondly,
ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन के बारे में डॉक्टर स्वाति बोल रहे थे, इट्स ऑलवेज एन अर्ली फेज, लेट फेज में अगर किसी को थ्रोम्बोसिस हो रही है तो इट्स नॉट रियली नेसेसरी दैट इट हैपेंस। अब जैसे जो आपका केस जो फर्स्ट केस जो हाईलाइट हुआ था वो 2023 में हुआ था जो उन्होंने एक्सेप्ट किया, अब कंपनी ने इसको एक्सेप्ट किया है, कुछ इंसिडेंसेज हुए होंगे जो उन्होंने कोरिलेट किया होगा पैथोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म के बेसिस पर, उनको लगा होगा कि इनके अंदर पेशेंट के अंदर ये साइड इफेक्ट आ रहा है, तो दिस हैपेंड, आई एग्री विद दैट, नहीं होना चाहिए, बट इसे पैनिक होने की जरूरत भी नहीं है आफ्टर 4 ईयर्स ऑफ वैक्सीनेशन आई थिंक। चलिए, तो आप दोनों की बातें सुनकर दर्शकों को जरूर तसल्ली हो रही होगी, क्योंकि मेरे आसपास ही कई लोगों ने यही बात, आते ही आज सुबह से बस यही चर्चा चल रही थी कि हमने भी कोविशील्ड लगवाया, अब क्या होगा, इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। डॉक्टर स्वाति, आप देखिए कोविड को 2 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी हमारे शरीर की अंदर वो जो जद्दोजहद चली रही है, कहीं ना कहीं कोविड के बाद बहुत सारे बदलाव तो शरीर में आए ही हैं। देखिए, डेफिनेटली शरीर में बदलाव आए हैं, और जिन हार्ट अटैक्स की हम बात कर रहे हैं वो हमें ये भी समझना होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको कोविड हुआ, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो सब क्लिनिकल केस थे, जिनको कोविड सामने से नहीं दिखा लेकिन कुछ हल्के फुल्के लक्षण आए और आकर चले गए। हम में से कई लोग ऐसे हैं जिनकी जिन्हें कभी कोविड नहीं हुआ लेकिन हमें इस तरह के लक्षण हुए, तो हम इन्फेक्ट हुए, कहीं ना कहीं हम लोगों को भी इन्फेक्शन हुआ है, सब क्लिनिकल ही सही। और हार्ट डिजीज होने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आपको फुल ब्लोन कोविड हुआ हो, अगर आप सब क्लिनिकल केस भी हैं तो भी आपको उसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, इसलिए कई लोगों को हार्ट अटैक कोविड होने की वजह से भी होने की संभावनाएं बड़ी हैं, क्योंकि हार्ट के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनी है, पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस जिसे हम बोलते हैं, हार्ट मसल्स का इन्फ्लेमेशन जो होता है वो हुआ है। साथ ही हमें ये भी समझना होगा कि हमारा लाइफस्टाइल भी बहुत चेंज हुआ, अगर हम बात करें कोविड के टाइम में, लॉकडाउन के टाइम में एक्सरसाइज लोगों की खत्म हो गई, जंक फूड का कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, स्ट्रेस लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा था, अपने काम को लेकर के जो हेल्थ का एनवायरमेंट बन रहा था उस माहौल को लेकर के डर था लोगों के मन में, तो इन सब चीजों की वजह से भी धीरे धीरे लोगों के अंदर बीमारियां पैदा हुई हैं और उसकी वजह से हार्ट जो है लोगों का कमजोर हुआ है और हम इस तरह से दिक्कतें देख रहे हैं। जब हम बात लॉन्ग कोविड सिंड्रोम की करते हैं तो डेफिनेटली हमें अपने डॉक्टर से संपर्क करके अपनी एक्सरसाइजेस को, अपने डाइट को, अपने डेली रूटीन को और अपने टेस्ट को, कि हमें कितनी फ्रीक्वेंसी पर डायग्नोस्टिक टेस्ट कराने की जरूरत है, इन चीजों को हमें मॉनिटर करने की जरूरत है, ताकि हम जल्द से जल्द वो जो सिंड्रोम हमारे साथ चल रहा है अगर, तो उससे हम बाहर आ सके और उससे बेहतर तरीके से लड़ सके, क्योंकि लोग ज्यादातर ये चीजें नहीं करते हैं और उसे नजरअंदाज करते हैं और ये नहीं समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं, इसलिए ज्यादा परेशान होते हैं, जॉइंट की प्रॉब्लम्स हो रही है, हेयर फॉल हो रहा है, ब्रेन फॉग हो रहा है, थकान बहुत ज्यादा महसूस हो रही है लोगों को, बार बार इन्फेक्शन हो रहे हैं, इम्यूनिटी कम हो गई, तो इन सब चीजों के लिए आपको एक सिलेबार तरीके से चलने की जरूरत है और अपने डॉक्टर से उसको बैठ के डिस्कस करने की जरूरत है, ताकि आप उससे और आसानी से और जल्द से जल्द बाहर आ सकें। तो यानी एक बात तो तय है, अगर आप लोगों की बात सुन के समझा जाए तो जरूरी नहीं कि वैक्सीन का असर हो रहा है, कोविड का कनेक्शन जरूर कहीं ना कहीं दिल से जुड़ा है, लेकिन वैक्सीन का असर होगा और आपने कोविशील्ड लगवाई इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है, एक बात तो तय है। डॉक्टर साहब, आप यहाँ पर इस वक्त हमारे प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं तो मौके का फायदा उठाना ही चाहिए, मैं चाहूंगी आप दर्शकों को बताइए कि अपने दिल का ख्याल कैसे करें, कोविड के बाद जरूर बहुत सारी चीजें बदली हैं, तो आप क्या कहेंगे लोगों को कि इस खबर से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, और दूसरा किस तरह से आप अपने दिल का ख्याल करें। देखिए, हार्ट की डिजीज क्यों होती है अगर इसके बारे में बात करें, 3 इंपॉर्टेंट कैटेगरी हैं। एक है जेनेटिक्स, कि आपने अपने पेरेंट्स से इंबाइट किया है, जीन्स आप में आए हैं जिसके कारण से हार्ट की प्रॉब्लम है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जी लाइफ स्टाइल, जिसके अंदर आपका खाना पीना ठीक नहीं है, ओवरवेट है, डायबिटिक, हाइपरटेंसिव है, हाई कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, इंक्रीज BMI, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, टाइप ए पर्सनैलिटी, एग्रेसिव पर्सनैलिटी, तो ये सब लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स में आता है। थर्ड इज पॉल्यूशन, यू आर एक्सपोज टू द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, सो दैट ऑल अल्टीमेटली अफेक्ट्स योर ब्लड थ्रोम्बोसिस एंड सर्कुलेशन। ये 3 चीजें हैं। कोविड में यही हुआ, कोविड वायरस ने थ्रोम्बोटिक एपिसोड्स को इंक्रीज किया, और आपको याद होगा जब शुरू शुरू में मैक्सिमम डेथ हुई थी तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म से हुई थी, हार्ट अटैक कोरोनरी आर्टरी के क्लॉट बनने से होती है, बट पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज लाइक लंग्स के अंदर आपकी आर्टरी चोक्ड हो गई और क्लॉट बन गया था, जिससे डेथ हुई थी एक्चुअली। मगर उसके बाद में हम लोग इसीलिए कोविड के टाइम में बहुत सारे लोगों को ब्लड थिनर और हेपेरिन वगैरह दिए जाते थे, बाद में धीरे धीरे ये ब्लड ये जो इफेक्ट आने लगे क्लॉट बनने के, ये हार्ट की वेसल्स में आने लगे और जिससे कि हार्ट अटैक होने लगे थे। तो इस तरीके से अब हार्ट की प्रॉब्लम से बचने के तरीके के जेनेटिक्स यू कैन नॉट अवॉइड, 2 थिंग्स व्हाट आर इम्पोर्टेंट इज लाइफ स्टाइल एंड पॉल्यूशन।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स को पहचानना, प्रॉपर फूड, वेजिटेरियन फूड, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, रेगुलर एक्सरसाइज फॉर 45 मिनट्स, आइडियल बॉडी वेट, बीएमआई बिलो 24, regular walk, as I told you, if you are suffering with blood pressure, diabetes, cholesterol, properly control it, get it checked properly at regular intervals, जो medicines आपको बताई जाती हैं उसको आप बराबर लीजिए, डॉक्टर की सलाह के बिना दवाइयाँ मत छोड़िए. अगर आप smoking है तो it's the most important single risk factor which is reversible, which can be stopped and you can prevent the death related to the smoking habit. डॉक्टर स्वाति से शायद हमारा संपर्क टूट गया. तो डॉक्टर साहब, यानी कि जो मैंने जैसे कहा कि पिछले समय में काफी कार्डियक अरेस्ट के केसेस आ रहे थे, तो जो अनएक्सप्लेन कार्डियक अरेस्ट है उसको आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं? क्या वो कोविड के बाद का असर था? नहीं देखिए, ये डिफरेंशिएशन बहुत मुश्किल है. एक पर्टिकुलर पेशेंट में क्यों हुआ हार्ट अटैक ये आप नहीं कह सकते. इसकी लीडिंग कॉज ऑफ हार्ट अटैक आपका अल्टीमेटली लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर ही रहेगा. तो अब इन्वायरमेंटल इश्यूज के अंदर अगर आपको कोविड हुआ, उससे आपको हार्ट अटैक हुआ, या नॉन कोविड कंडीशन में आप यू आर ऑलरेडी प्रोन फॉर हार्ट अटैक, यू कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द टू कंडीशन. पेशेंट कम्स विद, यस, यंगर पॉपुलेशन के अंदर हार्ट की प्रॉब्लम ज्यादा होने लगी है, तो वी कैन प्रिज्यूम कोविड का रोल कहीं ना कहीं है. अभी आप देखिए, सडन डेथ होने लगी है, और जब कुछ ऑटोप्सी स्टडीज हुई है तो उसे पाया गया है कि हार्ट की जो मायोकार्डियम होती है, जो मसल्स होती है, उसमें पैची फाइब्रोसिस से वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कंडीशन होती है, कार्डियक अरेस्ट होता है, और वो पैची फाइब्रोसिस इलेक्ट्रिकल इनहोमोजेनिटी होने से वीटी इंड्यूस हुए हैं, जिससे कारण से कॉम्प्लिकेशन पैदा होने शुरू हुए हैं और पेशेंट सडनली डाई किए हैं कुछ, स्पेशली द यंगर पॉपुलेशन. सो दीज आर सम रिस्क फैक्टर्स, बट यू कैन नॉट डिफरेंशिएट बिकॉज ही हैड कोविड सो ही हैड दिस प्रॉब्लम, बिकॉज ही डिड नॉट हैड कोविड सो ही थी है. बहुत ही तसल्ली से चीजों को बताई और दर्शकों को इससे जरूर फायदा मिलेगा, जरूर हिम्मत मिलेगी. मैं चाहूंगी चलते चलते अगर आप कुछ टिप्स देना चाहें दर्शकों को और उन्हें निश्चिंत करना चाहें कि वैक्सीन का असर उन्हें नहीं देखने को मिलेगा, जरूरी नहीं है उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं इस खबर के बाद कि कोविशील्ड अगर आपने लगवाई है तो आपके ऊपर कोई ना कोई उसका असर होगा. हर मेडिसिन जो एक डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है कहीं ना कहीं उसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं. बहुत पुराना रूल, रिएक्शन है सम रिएक्शन, सो सेम इज ट्रू विद द मेडिसिंस आल्सो. इफ यू हैव ए प्रॉपर पॉजिटिव इफेक्ट, यू आर बाउंड टू हैव सम इफेक्ट. जब डॉक्टर्स कोई दवा देते हैं या मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं तो उसके रिस्क बेनिफिट रेशियो को एसेस करके देते हैं. स्टिल एक इंडिविजुअल के अंदर कभी कभी सीरियस साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, वी डू नॉट रिफ्यूट दैट. मगर आपको ये देखना होगा कि अगर एक को वैक्सीन लगी है तो उसमें कितने लोगों कोविड रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस बचे हैं, वो लोग वर्सेस ए फ्यू एग्जांपल्स वेयर दिस कैन हैपन, व्हिच इज वेरी वेरी रेयर. आपको तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है. जिन लोगों को लग चुकी है वैक्सीन, दे आर सेफ, जिनको कॉम्प्लिकेशन होना था. कोविड के टाइम में भी कुछ लोगों की ऐसी रिपोर्ट थी कि जिनको वैक्सीन दिया गया विद इन 72 आवर्स उनको स्ट्रोक हो गया, 24 आवर्स में स्ट्रोक हो गया. तो इससे कॉम्प्लिकेशन हुए. अब उसको भी आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे बेटा, एक बार बिकॉज ऑफ द वैक्सीन और एक बार बिकॉज ऑफ डिजीज, इससे वेरी डिफिकल्ट. तो पैनिक की जरूरत नहीं है. जो लोग सेफ हैं वो सेफ है, जिनको कॉम्प्लिकेशन होने थे वो हो चुके, आगे शायद ही किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी. अपने हार्ट का ख्याल रखना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए. तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि जो कोविशील्ड की मैन्युफैक्चरिंग की गई थी वो तो भारत के अंदर की गई थी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो दुनिया की सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं. लेकिन इसका जो फॉर्मूला है वो एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा मिलकर बनाया गया था. तो अब एस्ट्राजेनेका ने लंदन कोर्ट में ये एक्सेप्ट किया है कि कोविशील्ड की कुछ रेयर इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं. लेकिन जैसा कि डॉक्टर्स ने आपको बताया, आपने सुना कि इससे कोई डरने वाली बात नहीं है, पैनिक करने की कोई बात नहीं है, ये रेयर साइड इफेक्ट्स हैं. अगर जैसा डॉक्टर ने बोला कि जिसको दिखना रहता है वो इनिशियल फेज में दिख जाता है, जरूरी नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आपने अगर कोविशील्ड लगवा ली तो आपको हमेशा इसके साइड इफेक्ट्स दिखते रहेंगे. तो आप पैनिक ना करिए और इस खबर को समझिए और डॉक्टर्स ने जो बताया है उसे भी समझिए. बहुत बहुत शुक्रिया इस शो में जुड़ने के लिए. और इस शो में फिलहाल के लिए बस इतना ही. बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत. श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत.